हाय गाइस, आज तक आप लोगों को हमेशा हर खुशी में तकलीफ में शामिल किया है और हम बहुत कश्मकश में थे कि ये वीडियो बनाएं या नहीं, पर हम करना चाहते हैं शेयर क्योंकि हमें बहुत हिम्मत आप लोगों ने इंस्टा पे देखा होगा हम दोनों की कटल अब नहीं रहा, वो ठीक नहीं था काफी समय से, अस्थमा था उसे प्लस कैंसर भी था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं चल पाया। आई टुक हिम टू द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ मुंबई क्योंकि उसका अस्थमा बहुत ज़्यादा था, तो उस वजह से हम उसे कभी ऑपरेट नहीं कर पाए। पिछले दो हफ्तों से उसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, बट ही वॉज प्लेइंग अराउंड, ही वॉज डूइंग हिज मस्ती, एंड पिछले दो दिनों में वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, इसलिए परसों मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसको नेबुलाइजर वगैरह दिया था। बहुत सुकून से आके आखिरी रात की नींद उसने हमारे साथ ली और कल दोपहर को 3 बजे के बाद वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, एंड मैं यहाँ पे एक डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने ऑक्सीजन दिया, इंजेक्शन दिया, बोला घर पे ले जाओ, सी इफ ही गेट्स बेटर, ओके, नहीं तो आपको इसे इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा वर्ली में, विच इज़ अराउंड 1 आवर विदाउट ट्रैफिक फ्रॉम आर प्लेस। सो हम उन्हें ही ठीक हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो रात में हम उसको लेके गए, हमने वहाँ एडमिट कराया और वो डॉक्टर ने हमें जाते ही बोल दिया कि मैम इट्स एन इरिवर्सिबल डैमेज, और फिर 3 बजे चला गया। पर वो इतना हमसे प्यार, जब डॉक्टर ने हमसे बोला कि सर मैम ऐसी ऐसी बात है, ये शायद ही ठीक हो पाएगा अभी, तो अभी आपको कॉल लेना है कि आपको इसको मतलब ऐसे ही और फिर देखना है, तकलीफ पर रखना है या इसको पीसफुली सुला देना है, तो और मैं और दीपिका हम वही बात कर रहे थे कि कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे, देखेंगे थोड़ा सा और किसी से कंसल्ट करें क्या, लेकिन तो मुंबई में ये भी है, मुंबई में क्या मुझे नहीं पता, ये भी है कि पूरे मुंबई में सिर्फ 2 ही एक ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ 24 आवर्स जो चालू रहते हैं फॉर पेट्स, और एक ये था क्राउन और एक पेट जोन था, वो तो खैर वो एक अलग चैप्टर में, उसमें भी नहीं जाना चाहता, पर उस तो, बारे में मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगी, मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ पेट जोन में, मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी हो, और उसके बाद फिर वापस हम उसको यहाँ पे लेके आए और जैसे ही उसको रखा यहाँ पे वापस ऑक्सीजन लगाया, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या बोले, मतलब क्या कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं कि हम डिसीजन लें ये कि इसको पीसफुली सुला देते हैं, और आई थिंक वही ना जिस दीपिका बोल रही थी, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसने मौका ही नहीं दिया, मतलब विद इन 15 मिनट्स में डॉक्टर अंदर से आते हैं और बोलते हैं कि ही स्टॉप ब्रीथिंग, उसने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम इस कश्मकश में जाएं, इस जद्दोजहद में जाएं कि हम उसे यू नो एक वो होता है ना कि यार आपने जिंदगी भर वो एक क्वेश्चन रहे कि काश हम कहीं और ले जाते शायद, क्योंकि वो एक वो बेचारा बोल तो सकता नहीं है, तो यस तो ये आप लोगों से शेयर करना था कि एक्चुअली फ्रैंकली बोलूँ हम लोग खुद अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ वो तकलीफ में था, मतलब तकलीफ में नहीं बीमार था, ट्रीटमेंट भी उसका चल रहा था, लेकिन सडनली अचानक 2 दिन से उसकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा डिटेरिएट हुई, और एक बहुत फनी बात नहीं बोलूँगा, एक बहुत मतलब कल आप सबको पता है कि मैं चिकन कोरमा बना रहा था और मैंने सबको सामने बनाया था, तो दिन भर वो यहाँ पे था
और दिन भर से वो थोड़ा सा पैनिक कर रहा था। वो पैनिक नहीं, मतलब ब्रीदिंग उसकी हैवी हो रही थी। और फिर रात में जब मैंने चिकन वगैरह बनाया, डॉक्टर से उसका अपॉइंटमेंट था कि इस वक्त आपको लेके आना है, तो हम उस टाइम का वेट कर रहे थे। जिस टाइम पर वेट कर रहे थे तो सबने बोला कि खाना खा लो। आप यकीन नहीं करोगे, वो 10 मिनट हमने खाना खाया है, वो 10 मिनट उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ना ही उसने हैवी ब्रीदिंग ली है, ना ही परेशान किया है। शोएब उसके पास ही बैठे थे कि अम्मी आप खा लो, सब एक दूसरे को बोलते अम्मी आप खा लो, अम्मी कह रही नहीं बेटा तुम खा लो, सबा कह रही है भाभी मैं परोसती हूँ आप खा लो। तो वो समझ लिया क्या, मतलब 10 मिनट उसने ना ही हैवी ब्रीदिंग ली है, ना ही वो पैनिक हुआ है, देखता रहा बैठा। मेरे बाजू में बैठा हुआ था, मेरा लास्ट वीडियो भी उसके साथ है, कल मैं जो व्लॉग बना रहा था मैंने उसमें लिया था। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही खाना हुआ, हमने कहा चलो अभी टाइम हो रहा है इसको लेके चलते हैं। एंड देन सडनली फिर उसका वो ड्रॉप कर दिया था आइडिया कि नहीं ये सुकून में हो गया है, हम इसे रात में फिर से नेबुलाइजर देंगे और सुबह वापस इसी डॉक्टर के पास उसको हार्ट सोनोग्राफी के लिए भी जाना था। लेकिन क्योंकि तब वो उतना नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर सडनली खाना खाने के 15 मिनट बाद ही अगेन स्टार्टेड एंड देन जिसकी जितनी जिंदगी होती है वो होती है। लेकिन हाँ हमारे लिए सबसे टफ ये होगा कि उसके बिना कैसे मतलब रहने की आदत डालनी है जो मतलब, और उसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए बहुत ज्यादा। 4 साल 4 दिन बाद उसका बर्थडे होता, 8 साल का हो जाता। तो इस बार हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए प्लीज, क्योंकि हमें नॉर्मल लाइफ, तो गाइस अभी हमें नॉर्मल लाइफ में यूज्ड टू होने के लिए वक्त लगेगा, बिकॉज ही इज नॉट देयर, किसी भी कोने में हर कोने में उसकी याद है। सो हमें आप लोगों की स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे, बट यस उसकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, और उसका रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं हो सकता। अब नहीं, उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो सकता। तो चलिए गाइस, मुझे हमें आप सबको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ऐसा ऐसा हुआ है।